एंड यू कैन काउंट कन मी फोर योर मैथेमेटिक्स आई एम विथ टीम पार्ले और मेरे जो भी मेरिट्स हैं वो सब तो मैं हर वीडियो में मेन्शन कर ही देती हूँ एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज द ईयर जब मैंने अपने ट्वेल्थ के साथ मेन्स एडवांस और बाकी काफ़ी सारी एग्जाम्स दी थी तो दे इज़ नॉट अ लॉट ऑफ गैप और uh, हम लोग सीनियर जूनियर्स के जैसे या फ्रेंड्स के जैसे बस uh, बातचीत करते हैं और क्वेश्चन uh, डिस्कस करते हैं थियोरीज डिस्कस करते हैं एंड दिस इज़ अनादर चिट चैट सेशन जिसमें हम मुझे जो कुछ चीज़ें पता हैं जैसे मुझे जब मैंने 11 स्टार्ट करी थी तो कॉलेजेस के बारे में आईआईटीज के बारे में कुछ चीज़ें पता थी फिर ट्वेल्थ आते आते और चीज़ें पता चली फिर एग्ज़ाम देने के पहले और बाद में भी काफ़ी नई चीज़ें पता चल गई काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी चीज़ें पता चली और कॉलेज में आने के बाद तो बिल्कुल रियलिटी चेक मिल ही गया तो ये जो भी चीज़ें मुझे पता हैं या जो भी एकदम अपडेटेड नॉलेज हम लोगों के पास है या अभी का जो सिनारी हम लोग आपको समझा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँगी और आ, दिस आई एम टीम पढ़ ले और ये जो इंस्टाग्राम पे पेज है या फिर टेलीग्राम पे चैनल है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपने चेकआउट कर ही लिया होगा इट इज़ फॉर यू ऑल और वो आपके बेनिफिट के लिए है आपको सारे अपडेट्स और जो भी नए फीचर्स हैं वो पता चल जाएंगे जो भी हम लोग आपके लिए मटेरियल बना रहे हैं वो मिल जाएगा और सब्सक्राइब करना भी आपके बेनिफिट के लिए ही है वो हमारे बेनिफिट के लिए भी है बट उसमें दोनों का भला हो रहा है विन विन सिचुएशन है तो आप सब्सक्राइब कर ही देना लाइक कर ही देना और आज मैं आप लोगों को जो भी मैंने अचीव किया या जो भी मैंने सीखा और जितना भी नॉलेज अब मेरे पास आ चुका है जो मेरे पास शायद एग्ज़ाम देने से पहले नहीं था या जब मुझे पता चल जाना चाहिए था तब नहीं था या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा वो चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि अब ना हमारी गाड़ी ट्रैक पे आ गई है थोड़ा सा और अब वो ऐसा सीन हो गया है कि हमने अपने तीन चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिए हैं हमने सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री ये तीन जो एक मेजर चंक ऑफ एलेवेंथ स्टैंडर्ड है ना वो हमने एक मेजर चंक कम्प्लीट किया मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये मेजर सेक्शन कवर नहीं किया है अपन ने बट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर कर लिया है और अब हम न्यू कमर नहीं बचे हैं अब जब भी हमें हमारा स्टैंडर्ड लिखना होता है तो हम टेंथ नहीं लिखते होंगे अब हम भूल नहीं जाते होंगे कि हम इलेवेंथ में आ चुके हैं तो अब हम लिखते भी इलेवेंथ होंगे और हमें आदत भी हो गई होगी तो हम ना काफ़ी सारी क्यूरियोसिटीज भी होंगी कॉलेज को लेकर या वट आर वी एमिंग तो वट एक्चुअली इज़ इट उस चीज़ को लेकर कॉलेज के अंदर क्या होता है वो सारी बातें और काफ़ी सारी क्यूरियोसिटीज़ होती है जैसे मुझे भी याद है कि मुझे जब कोरा पे या यूट्यूब पे किन्हीं भी कॉलेज की हॉस्टल एक्टिविटीज़ या कोई भी फेस्ट या कोई भी इंट्रोडक्शन uh, वीडियोस देखने को मिलती थी तो मैं काइंड ऑफ एक्साइटेड हो जाती थी और मतलब मुझे फटाक से वो देखने लग जाती थी तो सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे लगता था वो प्रोडक्टिव है सबको ही लगता है कि वो प्रोडक्टिव है एटलीस्ट हम ये तो मानते हैं कि वो टाइम वेस्टेज नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हम कोई गाना वाना थोड़ी सुन रहे हैं हम कोई सीरीज़ या मूवी थोड़ी देख रहे हैं हम तो आ, कॉलेज वीडियोस देख रहे हैं तो हाँ मतलब वो आ, थोड़ा सा मोटिवेट करती है जो भी वहाँ का कॉलेज फन है वो हमें अभी पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है टू गेट थ्रू दिस वो हमें मोटिवेट करता है बट फिर भी डिस्क्लेमर कि कॉलेज वीडियोज़ देखना प्रोडक्टिव नहीं है और आ, मुझे याद है कि जब क्लास में टीचर्स अपने कॉलेज के टाइम की कोई बात बताने लग जाते थे या फिर उनके हॉस्टल में उनका क्या नाम रखा था ऐसी चीज़ें जब बताने लग जाते थे तो हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था हमें वो सब और हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते थे उन बातों से तो ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ही कि जब भी टीचर्स ऑफ टॉपिक जाकर अपनी कहानियाँ और किससे बताने लगते हैं तो अच्छा तो लगता ही है मज़ा तो आता ही है बट uh, यहाँ पर ना हम लोग ऐसे नहीं है कि हम हमारे टाइम की बात कर रहे हैं या फिर हम ये बता रहे हैं कि हमने जब कोचिंग करी थी तब तो ये हुआ था क्योंकि मेरी कोचिंग या मेरा इलेवन ट्वेल्थ अभी भी मेरी आंखों के सामने ही है मतलब मेरे पास मेरे नोट्स रखे हैं अभी तक और अपन मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं मतलब आप लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो मैंने अपने टाइम पर किया था तो इसलिए एकदम वाइब अलग है और मुझे जो चीज़ें मेरे कॉलेज के थ्रू पता चली है वो मैं आपको बताऊंगी मुझे जो चीज़ें सुनने को मिली है समझने को मिली है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी और आज मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों के लिए अनडिस्कवर डिस्कवर डिस्कवर करूँगी डिस्कवर करूँगी अनरवल करूँगी जिसमें हम लोग कॉलेज के बारे में बात करेंगे और एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे मतलब वट आर यू गेटिंग इन टू इसके बारे में आज हम बात करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन और हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग से अब अगर हम बात कर रहे हैं ना कॉलेज की या इंजीनियरिंग की तो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो, तो आप भले ही मत पढ़िए क्योंकि 2000 से 3000 हजार हैं जो इंजीनियरिंग करवाते हैं अब अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो वो बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है लेकिन ये जो 2000 से 3000 हज़ार कॉलेजेज हैं ना इनमें जो कॉलेजेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं और जो बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये दोनों वो जगहें हैं जहाँ के हम चीज़ें YouTube पे देख रहे हैं या जहाँ की चीज़ें सुनकर हम एक्साइटेड हो रहे हैं तो यहाँ पे है वो फ़न जिसके लिए हम एम कर रहे हैं और जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इधर मैं कौन सी दो चीज़ें बोली कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहा जाता है मतलब ये टर्म यूज़ करा जाता है सारे आ, इस कैटेगरी के कॉलेजेस के लिए इंस्टीट्यूट्स के लिए और बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स तो ये जो भी कैटेगराइजेशन होता है या जो भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं या रैंकिंग देखते हैं सबसे पहले मैं बात ही बता देती हूँ कि वो किस बेसिस पे होती है वो होती है पॉपुलैरिटी ऑफ कोर्स इसलिए तो आईआईटी में कोई है तो उसकी इतनी हवा हो जाती है कि अरे अरे ये तो आईआईटी आई टी से बच्चा कॉलेज से घर आया है तो वो पॉपुलैरिटी तो है ही सही आप लोग भी काफ़ी पहले से आईआईटी नाम सुनते आए होंगे ये नहीं पता होगा कि जेईई आईआईटी की एग्जाम होती है बट नाम तो हम सुनते आए ही हैं और जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए रहते हैं तो इधर से नहीं मिली है उसे पॉपुलैरिटी ये तो आफ्टर इफेक्ट्स थे लेकिन पॉपुलैरिटी तो है ही सही फिर वो कब इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जैसे जो हमारे आई है ना वो एशिया के फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं एक आध आई मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे इंटरनेट पे तो मैंने ये वहीं से पढ़ा था मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं आई और uh, ये जो भी कॉलेजेस हैं ये कब इस्टेबलिश हुए थे कब से इनके अंदर ये अलमिनाएं जनरेट कर रहे हैं इधर के एलमिनाएं कहाँ कहाँ किन पोजीशंस पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं या जो स्टाफ पढ़ा रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है प्लस प्लेसमेंट्स प्लेसमेंट्स तो बहुत बड़ी चीज़ है ही सही तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ना हम एक्चुअल uh, में प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं या रैंकिंग करते हैं अब दूसरी जो आपको रैंकिंग्स मिलेंगी या जो चीज़ें मिलेंगी वो uh, हम कह सकते हैं कि थोड़ी कम रिलायबल इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत सारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एस्पेक्ट्स देखती है और हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखना है जैसे Uh, कोई कॉलेजेस ज़्यादा कोर्स ऑफर करते हैं कोई कॉलेजेस कम कोर्स uh, इस बात पे मैं बाद में, में आऊँगी कोर्सेज क्या हैं बट uh, कोई कॉलेजेस ज़्यादा सब्जेक्ट साफ समझ लीजिए ऑफर करते हैं और कोई कम ऑफर करते हैं तो जो ज्यादा सब्जेक्ट ऑफर करता है ना वो रैंकिंग में थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाते हैं तो अगर हम सिर्फ क्वालिटेटिव बात करेंगे आज और uh, उसी हिसाब से हम कॉलेज चूज़ भी करते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है तो कॉलेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में हम मेन तीन चीज़ें देखते हैं आई आई टीज एन आई टीज एंड ट्रिपल आई टीज अब आई आई टीज तो सबको पता ही है कैसे मिलती है JEE एडवांस से लेकिन हमें कितनी रैंक लानी पड़ेगी अब एम करने को तो हम ए आई आर वन भी एम कर रहे होंगे पर हमें कहाँ तक सेफ गेम हम सेफ जोन में हैं कहाँ तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है वो है टेन थाउजेंड तक टेन थाउजेंड के बाद भी आपको कुछ ब्रांचेस मिल जाएंगी बट टेन थाउजेंड तक आप एक सेटिस्फैक्ट्री uh, पोजीशन पे होंगे किसी आईआईटी के अंदर फिर जो एन और ट्रिपल आई हैं ये हमें मिलते हैं जेई मेन से और ये मिलते हैं हमें तीस हजार रैंक के अंदर ठीक है तो एन और ट्रिपल आई नंबर में भी ज्यादा है ये दो कैटेगरीज हैं अब ट्रिपल आई की एक बात आई होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एन होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आई होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब जो तो ट्रिपल आई होते हैं वो सिर्फ सी और आई इस पर फोकस करते हैं ठीक है मतलब वहाँ पे आपको मैकेनिकल या फिर वहाँ पे आपको सिविल केमिकल ये ब्रांचेस देखने को नहीं मिलेंगी वहाँ पे आपको बस कोर ब्रांचेस मिलती हैं जो आईटी सेक्टर में होती हैं इसलिए उस कॉलेज का ही नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब यहां पर ना जितने भी ट्रिपल आई टीज में। में तो प्राइवेट है जैसे तो आपको देखने को मिलेगा पच्चीस हैं इकतीस हैं तो काफी सारे तो प्राइवेट हैं कुछ चार पांच हैं जो कॉलेजेस ऑफ या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है मतलब गवर्नमेंट फंडेड है और वो हैं कांचीपुरम जबलपुर अलाहाबाद और ग्वालियर और एक कुरन तो मतलब ये कुछ चार पांच हैं जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या जो गवर्नमेंट फंडेड हैं बाकी ट्रिपल आई टी इज़ डूइंग रियली वेल बट इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज और एक ट्रिपल आई टी हैदराबाद के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है ट्रिपल आई टी हैदराबाद इज़ नॉट अमंग दिस लिस्ट ऑफ ट्रिपल आई टीज ट्रिपल आई टी हैदराबाद एक अलग प्राइवेट कॉलेज है बट इट इज द बेस्ट सी एस डिपार्टमेंट इन इंडिया काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है मैंने खुद ने इसका फॉर्म नहीं भरा था विच इज़ uh, इसकी एग्जाम होती है यू जी ई तो ये जो एग्ज़ाम होती है मतलब आप ये समझिए कि इसके बारे में काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये होता भी है हमें बस जई एडवांस के बारे में पता है जई मेन्स के बारे में पता है और हम वही करते रहते हैं तो जो ट्रिपल आई टी हैदराबाद है यहाँ पर जो सी एस डिपार्टमेंट है वो इंडिया में बेस्ट सी एस डिपार्टमेंट है मतलब यहाँ पे कोर्स में कोई अमेंडमेंट अप्लाई होता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है उसके बाद वो आई आई टी बॉम्बे पहुँचता है ठीक है यहाँ के प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं नो डाउट तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉलेज एग्जिस्ट करता है ये कॉलेज है और ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है अब बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नो no डाउट सबसे पहले आ जाता है बेट्स अब बिट्स के बारे में ना रक्षित इतना खुश है अपने कॉलेज से कि वो एक अलग वीडियो बना ही देगा उसके लिए तो बिट्स के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलती बोलतीस वो बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ही सही एंड आई एम श्योर रक्षित विल डेडिकेट अ अंप्लीट वीडियो टू इट तो आप लोग बिट्स के बारे में उधर देख लीजिएगा और बिट्स की एग्जाम होती है बिट्स एट ठीक है तो अब अगर हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है बट अगर हमें वो चीज़ें चाहिए जिनके बारे में हम सुनते हैं मतलब आई के बारे में हम क्या अच्छी चीज़ें सुनते होंगे बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं कि इंटरनेट स्पीड यहाँ की बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एरिया इतना बड़ा है कॉलेज के अंदर ये भी है वो भी है कॉलेज के अंदर तालाब है कॉलेज के अंदर पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो हाँ ऐसी सारी चीज़ें होती है कैंपस बहुत सुंदर होता है फैसिलिटीज़ बहुत बहुत अच्छी होती है हॉस्टल्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है और कॉलेज लाइफ का फ़न तो एकदम अलग ही लेवल का होता ही है तो मैं भी ये सारी बातें आपको सुन सुना कर बता रही हूँ मुझे जाने को अभी तक मिला नहीं है बट ये बातें सही हैं और जैसे मतलब ऐसा होता है ना कि डाउनलोडिंग स्पीड डिवाइस की कम होती है पर इंटरनेट स्पीड अवेलेबल ज़्यादा होती है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट्स आप देखेंगे तो आपको सुनने को मिलेगी पता चलेगी इंटरनेट पे भी मिल जाएगी तो ये वाला जो फ़न है ना कॉलेज लाइफ का फन ये आपको बेसिकली इन दो टाइप के कॉलेज में मिलेगा इंडियन सॉरी इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पॉर् नेशनल इम्पोर्टेंस और अच्छे वाले प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में और भी लंबी लिस्ट है और भी आगे कॉलेजेस हैं बट टू एम या फिर टू फोकस हमें इन पे ही फोकस करना चाहिए और इनसे ही स्टार्ट करना चाहिए एंड दीज आर सम थ्री मेजर इंजीनियरिंग एग्जाम्स और यू के बारे में आप लोग याद रखना सच में लोगों को नहीं पता होता है ठीक है तो एक चीज अगर आप लेकर जाएंगे तो वो इस एग्जाम के बारे में आपको पता चला ये लेकर जाएंगे ओके नाउ मूविंग ऑन टू आर्किटेक्चर एग्जाम्स अब आर्किटेक्चर भी आर्किटेक्चर वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी हम यहां से अचीव कर सकते हैं या फिर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग बोलना चाहिए मुझे प्लानिंग और आर्किटेक्चर कोर्सेज़ में ज़्यादा फर्क नहीं होता है सिमिलर कोर्सेज ही होते हैं और यहाँ पर भी फिर आपको दो तरह के इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे फॉर श्योर यहाँ पर आपको जो इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे वो आपको काफ़ी सारी प्लानिंग एग्जाम्स सॉरी आर्किटेक्चर एग्जाम्स होती हैं जैसे जे मेन का जो पेपर टू होता है या फिर अब तो पेपर थ्री भी होने लग गया है मतलब 2020 में एक पेपर थ्री हुआ था विच वॉज बी प्लानिंग पहले बी आर और बी प्लानिंग का एक ही पेपर होता था बट अब दो अलग अलग पेपर होने लग गए हैं तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है मतलब प्लानिंग आप ये कह लीजिए कि कोर्स में मैं अभी नहीं जाती हूँ मतलब दोनों में कोर्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इसलिए आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कॉलेजेस एक ही कॉलेज होता है तो ये एग्ज़ाम है इसकी नाटा एक मेन एग्जाम है इसकी तो यहाँ से तो हमको कौन से कॉलेजेस मिल जाते हैं यहाँ से हमको जैसे एस हो गया स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर वो मिल गया फिर जो एन में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल गए जैसे कैलिकट में है त्रिची में है या अच्छे आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट्स हैं और इस बारे में भी अब लोगों को नहीं पता होगा जे एडवांस क्वालिफाई करने के बाद क्या करना है बस क्वालिफाई करना है एक ए ए टी एग्जाम होती है विच इज़ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट वहाँ से हमको कुछ दो आई गेस आई में दो या तीन आई में आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट होता है विच इज़ आई आई टी खड़गपुर आई आई टी गुवाहाटी एंड अनदर आई आई टी आई आई ए गैस मुझे अभी तो इतना याद आ रहा है दिस इज़ आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट तो ये हमें मिलता है जे एडवांस क्वालिफाई करने के बाद ए ए टी ए ए ए टी देकर एंड नो डाउट इनका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है ही सही क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट दी टीचिंग स्टाफ या फिर एजुकेशन क्वालिटी तो आर्किटेक्चर की डिग्री होती है बी आर्क जैसे हम बी टेक मिलता है वैसे बी आर्क हो गया और प्लानिंग की हो गई बी प्लानिंग Uh, उसके लिए ये वाली एग्जाम्स हैं उसके लिए कॉलेजेज़ हैं एस पी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट और आई के जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है उस बारे में नहीं पता होगा तो वो मैंने बता दिया कि जेई एडवांस बस क्वालिफाई कर लीजिए फिर ए दे दीजिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को एम करते भी हैं मतलब हमें आर्किटेक्चर करना है बट जेई मेन पेपर टू या नाटा के थ्रू नहीं करना है आईआईटी से ही करना है देन आई ऑल्सो अपियर फॉर डिज़ाइन एग्जाम्स और जो डिज़ाइन एग्जाम्स हैं वो एक अच्छा फील्ड है पी के थ्रू अब अगर हम फील्ड्स की बात कर रहे हैं तो तो हमारे पास डिफेंस फील्ड है एन एग्ज़ाम है क्लैट है और बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है बट अभी मैं आपको बस वो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ बता रही हूँ या वो मेजर एग्ज़ाम्स बता रही हूँ जिनका आइडिया आपको होना चाहिए और जेई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये आपको पता होना चाहिए अब डिज़ाइंस के बिना मैंने कौन सी कौन सी एग्ज़ाम दी थी एक तो मैंने यू सीड दी थी यू सीड है चार कॉलेजेस होते हैं उसकी एग्जाम आईआईटी बॉम्बे सॉरी ट्रिपल आईआईटी लिख दिया मैंने आदत आईआईटी बॉम्बे आईआईटी रुड़की गुवाहाटी इधर रुड़की था इधर गुवाहाटी नहीं था hmm. रुड़की। क्या पता हाँ और आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी हैदराबाद और ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर तो ये जो चार कॉलेजेस हैं ये डिज़ाइन मतलब बी डिजाइन ये डिग्री ऑफर करते हैं और एक मेजर एग्जाम होती है यूसीड उससे हमको ये चार कॉलेजेस मिलते हैं अब यूसीड एक डिज़ाइन एग्जाम है जिसके बारे में नहीं पता होता है लोगों को तो अगर आपका थोड़ा सा भी डिज़ाइन में एप्टीट्यूड है या थोड़ा सा भी उस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है तो आप इस एग्जाम के लिए एक बार आप ना पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड करके देख लीजिए मतलब अगर आपको नहीं पता है कि मुझे इसके प्रिपरेशन में जाना है या नहीं जाना है अगर आपको सेफ गेम खेलना है और आपको जेई के लिए ही प्रिपेयर करना है पर आपको देखना भी है कि इधर होता क्या है तो फिर आप इसके पास्ट ईयर पेपर डाउनलोड करो एक पेपर सॉल्व कर लो ठीक है कुछ नहीं पता बस सॉल्व कर लो और फिर देखो कि उसमें आपको क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है और जो आपको नहीं आया वो क्या आपको सीखने की इच्छा है क्या आपको वो जानने की इच्छा है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको यू सी के एग्ज़ाम में या एन आई डी कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग विच इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइन कॉलेज ऑफ इंडिया इट इज़ द बेस्ट डिज़ाइन कॉलेज ऑफ इंडिया उसकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें आपको जाना है या नहीं जाना है वो चीज़ें आप लोग देख लो और ये तो आपको ईयर पेपर्स करके ही पता चलेगा और मैंने जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स होती हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें हमको कौन सी कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं उसमें हमारे पास मेजर ब्रांचेस होती हैं सी एस आई टी ई सी ई केमिकल सिविल ठीक है तो सी एस मतलब तो कंप्यूटर साइंस आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईसीई मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग बहुत सारे दूसरे इन्हें कहते हैं कोर्सेज ठीक है जो भी हम ब्रांच चूज करते हैं उन्हें कहते हैं कोर्सेज तो और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं कॉलेजेस बट डीज आर सम मेजर कोर्सेज जो आपको ऑलमोस्ट कॉलेजेस में मिल ही जाएंगे अब ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये भी कहना चाहिए कि मार्केट में जो डिमांड है या फिर जो प्लेसमेंट लोगों को मिलता है या जो प्लेसमेंट आता है उसके बेसिस पे लिस्ट बनाई गई है और कट उसी हिसाब से जाते हैं जैसे अगर आपको सी एस पाँच हज़ार तक मिल रहा है आपको आई टी सात हज़ार तक मिल जाएगा आपको ई सी ई नौ हज़ार तक मिल जाएगा मतलब ये हमारे रैंक के कट ऑफ्स होते हैं तो हर कॉलेज अपने काउंसलिंग के टाइम पे ये कट ऑफ्स बताता है या उनके कट हमको जो हम सुनते हैं कि कट ऑफ्स गिर गए या कट ऑफ्स बहुत बढ़ गए तो वो यही होता है कि एक थ्रेश जिसके नीचे के बच्चे उस ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो हम क्यों अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं जेई में ताकि हम जो डिज़ायर्ड कॉलेज की डिज़ायर्ड ब्रांचेज हैं उनका जो थ्रेश लेवल वो लोग डिसाइड करते हैं उसके ऊपर लाए करें और हमें वो चीज़ मिल जाए जैसे अगर हम बस आ, कुछ मेहनत करे जा रहे हैं मेहनत करे जा रहे हैं आग बंद करके बस चले जा रहे हैं और हमारी रैंक आ गई पाँच हज़ार ठीक है अब हमें तो चाहिए था दो हज़ार पर जो चीज़ क्लोज़ हो रही है वो तो पाँच हज़ार ला के भी हम खुश नहीं हैं तो हमें क्या चाहिए उसका थोड़ा सा आइडिया या फिर आ, किस चीज़ पे क्या आ, कॉलेज बंद हो जाता है या किसकी क्लोजिंग रैंक क्या होती है उसका थोड़ा सा आइडिया या फिर बस हरारकी क्या है या क्रोनोलॉजी क्या है मतलब क्या चीज़ अभी टॉप पे है क्या चीज़ उसके नीचे है वो वाला आइडिया थोड़ा सा हमें होना चाहिए अगेन इट इज़ वॉट यू आर गेटिंग इन टू एंड यू शुड ऑलवेज नो वॉट यू आर गेटिंग इन टू तो ये मैंने बता दिया इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर डिज़ाइन सम मेजर फील्ड्स जिनके बारे में मैं बोलना चाहती थी जिनके बारे में मैं से रखती हूँ और अब जो ये पूरी प्रोसेस होती है तो सबसे पहले तो हमने कर ली प्रेपरेशन ठीक है जिसे अभी आप लोग वन एंड ओनली थिंग मान रहे हैं लेकिन प्रिपरेशन के बाद आप देंगे एग्जाम जो जैसे जैसे ट्वेल्थ कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे यार एग्जाम है एक महीने में एग्जाम है तीस दिन में एडमिट कार्ड आ गया और एग्ज़ाम देने जाना है मेरा सेंटर आ गया वो वाली चीज़ तब तक आपको एकदम फील आएगा अंदर से तो एग्जाम है अब उसके बाद ना काउंसलिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होती है काउंसलिंग मतलब क्या करते हैं ना कि आपकी जो भी रैंक आ गई उसके बेसिस पे आप जिन भी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो नहीं आपने जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ली उसके बेसिस पे आप जिन भी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो वो कॉलेजेस की लिस्ट वो बना के दे देता है अब काउंसलिंग भी बहुत सारे वो कराती हैं टीम्स कहना चाहिए या बहुत सारे अथॉरिटीज़ कहना चाहिए मुझे वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है तो अब उन्होंने काउंसलिंग तो करवा ली अपनी जैसे कि जोसा काउंसलिंग होती है और भी काउंसलिंग एग्जिस्ट करती है तो इसमें वो आपको एक लिस्ट दे देती है कि आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अब समझो मेरी रैंक थी सात हज़ार पर मैंने पाँच हज़ार का कुछ चूज तो कर लिया ठीक है अब मुझे वो मिलता है कि नहीं मिलता है डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना गिरेगा ठीक है तो लोग अपना प्रायोरिटी ऑर्डर भरते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ अब वो प्रायोरिटी ऑर्डर जाता है उसके बाद बहुत सारे काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं यूजुअली छः से सात राउंड होते हैं आई आई में तीन से चार राउंड्स होते हैं अब इन राउंड्स पे धीरे धीरे कट ऑफ गिरता जाता है मतलब हमने सबसे पहले पांच बच्चों को या दस बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जो इस रैंक के अंदर आ रहे हैं अब उनमें से किसी किसी ने उस कॉलेज को लिखा तो था पर असली में गए नहीं वहाँ पे या फीस नहीं भरी वहाँ की तो वो सीट हमारी खाली हो गई फिर हम सेकंड राउंड पे बढ़े सेकंड राउंड में हमने हमारा कट ऑफ जो यहाँ तक था हमारा थ्रेश उसको यहाँ कर दिया तो इसके अंदर फिर हो सकता है दो से तीन बच्चे आ गए और वो दो से तीन बच्चे एलिजिबल हो गए अब उन दो से तीन बच्चों में फिर किसी एक ने एडमिशन नहीं लिया तो ऐसे करके हम सात छः से सात राउंड्स कंप्लीट होने के बाद सारी कॉलेजेस की सीट्स फिल होती हैं और हमें जो चाहिए हमें मिल जाता है तो बस जिनकी रैंक बहुत ही अच्छी होती है वो इनिशियल के दो तीन राउंड्स में सेटल हो जाते हैं और उनको जो अपना डिज़ायर्ड कॉलेज होता है वो मिल जाता है और एडमिशन ले लेते हैं बाकी लोग नीचे के राउंड्स में आते हैं और नीचे के राउंड्स में धीरे 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 धीरे, धीरे कट ऑफ गिरते हैं आपको चीज़ें मिलती हैं और जो फाइनल क्लोजिंग रैंक उस साल की कहलाती है वो होती है सेवेंथ राउंड पे सबसे ज़्यादा रैंक वाला कौन सा बच्चा उस कॉलेज में गया तो ये मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक जो आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी वो असली में है क्या और काउंसलिंग के बाद में आपको मिलता है अपना कॉलेज तो उसके बाद अब आपकी जो रैंक है वो ज़ीरो हो गई अब आप कॉलेज में आ गए अब आप कॉलेज के बच्चे हो अब आपकी पूरी न्यू एम्स हैं आपके पास आपको प्लेसमेंट ऐसा चाहिए आपको इस आ, इन उसमें जाना है क्लब में जाना है आपको इस हॉस्टल में रहना है तो उसके बाद पूरी एक नई चैप्टर स्टार्ट हो जाता है नई स्टोरी चालू हो जाती है तो ये जो पूरी इतनी बड़ी मैंने आपको बात बताई आज के अपनी वीडियो में तो हाँ ये डिफ़िकल्ट तो है ही सही मतलब हमें किस जगह से हमें क्या चाहिए बहुत सारे इंटर कॉलेजेस इंटर हाउस इंटर हॉस्टल फेस्ट होते हैं और हॉस्टल के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कल्चरल इवेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजिकल uh, इवेंट्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी इन्जॉयमेंट वाली चीज़ें होती है जो कॉलेज लाइफ को फ़न बनाती है तो ये वाली चीज़ें अगर हमको चाहिए तो हमें किस चीज़ को एम करना है हमें क्या फैक्टर्स पे किसी चीज़ को इवेल्यूट करना है और हमें कौन सी एग्ज़ाम्स मिस नहीं करना है उन उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बता दी तो हाँ ये बहुत हैवी और बहुत वास्ट था और ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा या कर ही लेंगे बट दिस इज़ वर्थ इट और ये जो पूरी हायरार्की है जिसमें अभी हम लोग बस इस जगह पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तो मैंने आपको ये नीचे की सारी बातें की एक झलक दे दी ताकि आपको सिंसियरिटी बढ़ जाए आपके एफ़र्ट्स बढ़ जाएँ और आप थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए तो मैंने आपको किसी कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बताया बट uh, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए कुछ भी एम करते टाइम मैंने उस बारे में आज बात करी और uh, किस जगह के क्या फ़ायदे हैं मैंने उस बारे में बात करी एंड इंटरनेट हैज़ एवरी थिंग बट इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव या इट इज़ नाट अ पार्ट ऑफ योर preparation अगर आप किसी कॉलेज के किसी इवेंट का कोई बैकस्टेज वीडियो देख रहे हैं ठीक है वो प्रोडक्टिव नहीं है वो काम का नहीं है हमें पढ़ना चाहिए अगर आप वो देख रहे हैं तो आप ये मान के रखिए कि आप अभी अपने ब्रेक टाइम में हैं या आप पढ़ाई तो नहीं ही कर रहे हैं ठीक है बाकी जो करना है वो आपके हाथ में है ही सही जैसे आपको प्रिपेयर करना है वो आपके हाथ में है ही सही हम रेकमेंड कर सकते हैं हम लोग आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग अपने थ्योरी को आगे बढ़ा सकते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई पॉइंट दैट वी विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ एन तो हम जो नेक्स्ट क्लास है हमारी उसमें इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के स्टार्ट इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे एंड एज यूजल मैं आपको जो मेरे नोट्स हैं या फिर जो जेई के टाइम मैंने चीज़ें सीखी थी समझी थी और अंडरलाइन किया था या हाईलाइट किया था वो सारी चीज़ें रॉ फॉर्मेट में आपको डिलीवर करने वाली हूँ तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लासेस को भी ज्वाइन करो क्लासेस को भी फॉलो करो आई एम गिविंग द बेस्ट ऑफ व्हाट आई कैन द टीम पर्यज गिविंग द बेस्ट ऑफ व्हाट इट कैन एंड वी होप द बेस्ट फॉर यू ऑल आई होप यू ऑल बी सेफ एंड हेल्दी और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और आप लोग अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थोड़ा सा बस मोटिवेशन के लिए अगर आपको कुछ देखने की जरूरत है तो वो करिए और दिस वॉज़ अ लॉट अबाउट वॉट यू नीड टू नो राइट नाव वॉट यू नीड टू नो अबाउट वॉट यूर गेटिंग इन टू एंड आई होप आई स्टॉप माई वीडियो हिर सो थैंक यू सो मच एंड गुड डे टेक केयर टी साउट